तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी A30s और Vivo S1 के बारे में, क्योंकि प्राइस रेंज दोनों की लगभग सेम है। जैसे कि बात करें गैलेक्सी A30s की, तो यहाँ को केवल एक ही वेरिएंट मिलता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 15,000 रुपए। पहले 16,000 का था, अभी 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप हो गया है, तो 15,000 का इस समय मार्केट में अवेलेबल है। वहीं Vivo S1 के बारे में बात करें तो यहाँ 3 वेरिएंट आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 वेरिएंट ही मार्केट में अवेलेबल है। पहला है 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 16,000 रुपए। दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 18,000 रुपए। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है, कहां पर कौन सा डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है, ये चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं डिजाइन से। तो बात करें अगर डिजाइन की, तो भाई गैलेक्सी A30s और Vivo S1 दोनों ही एकदम अमेजिंग प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, दोनों ही डिवाइस को टिल्ट करने पर थोड़े से कलर्स और पीछे जो डिजाइन का शेप है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो अमेजिंग यहां पर डिजाइन देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइस में। अगर डिमेंशन की बात करें तो गैलेक्सी A30s की स्लिमनेस है 7.8 mm, वहीं S1 की स्लिमनेस है 8.1 mm। इसके अलावा वेट की बात करें तो A30s का वेट है 166 ग्राम, वहीं S1 का वेट है 179 ग्राम। यानी कि अगर डिवाइस के कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में गैलेक्सी A30s ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कॉम्पैक्ट डिवाइस है एज कंपेयर टू Vivo S1। Vivo S1 थोड़ा सा हैवी लगता है A30s के कंपैरिजन में, लेकिन भाई दोनों ही डिवाइसेस एकदम प्रीमियम और अमेजिंग डिजाइन के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइस में मिलता है आपको 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और छोटा सा टाइप यू नोच डिस्प्ले, और दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, यानी कि दोनों सिम और मेमोरी कार्ड आप दोनों ही डिवाइस में यूज कर सकते हो। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो Vivo S1 में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, PPI है 404। वहीं गैलेक्सी A30s में आपको मिलता है 6.4 इंच का HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, जिसका PPI है 268। यानी कि यहां पर आपको Vivo S1 में ज्यादा अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा आया Vivo S1 के डिस्प्ले का एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A30s। लेकिन दोनों में ही आपको एमोलेड पैनल मिलता है, तो कलर्स वगैरह में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर Vivo S1 के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर शार्पनेस आपको Vivo S1 के डिस्प्ले में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं डिस्प्ले को, तो उस कंडीशन में Vivo S1 का डिस्प्ले गैलेक्सी A30s से बेहतर है। दोनों ही डिवाइसेस की ब्राइटनेस इस समय फुल है, और दोनों ही डिवाइसेस को आप आउटडोर में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। वही फीचर्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको मिलता है सैमसंग का One UI, और यहाँ पर Vivo S1 में आपको मिलता है फ्रंट टच ओपन सिस्टम Vivo का, और बाकी के फ्रंट टच ओपन सिस्टम के डिवाइसेस की तरह यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा ऊपर की तरफ, क्विक एक्सेस पैनल मिलेगा नीचे की तरफ, मेन्यू वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन गैलेक्सी A30s में वन UI की तरह यहाँ पर आपको मेन्यू अलग से दिया गया है, और अगर आप सिंगल पेज UI बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। इसके अलावा UI फीचर्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं गैलेक्सी A30s से, तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड थीम स्टोर आपको दिया गया है। इसके अलावा ये है कुछ एडवांस फीचर्स, कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, गेम लॉन्चर दिया गया है, इसके अलावा डुअल मैसेंजर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड्रॉइड पाई का कोर फीचर डिजिटल वेलबींग आपको यहाँ मिलता है, ये आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर आपको मिलता है। इसके अलावा QR स्कैनर, सिक्योर फोल्डर, डॉल्बी एटमॉस और NFC भी आपको यहाँ मिल जाएगा। नाइट मोड और किड्स होम भी गैलेक्सी A30s में दिए गए हैं। वहीं बात करें Vivo S1 के बारे में, तो यहाँ भी आपको स्मार्ट क्लिक, ऐप क्लोन, एस कैप्चर, वन हैंडेड, स्मार्ट स्प्लिट, स्मार्ट मिररिंग, स्मार्ट मोशन, यानी कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा ये है आपके Vivo S1 का क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर जरूरी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। अल्ट्रा गेम मोड भी आपको Vivo S1 में मिल जाता है। अब जो मेन डिफरेंस मुझे इन दोनों ही डिवाइस में देखने को मिला, वो रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मेरा फेवरेट फीचर है, जो मुझे Vivo S1 में तो मिल जाता है, लेकिन ये आपको गैलेक्सी A30s में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही डिवाइस में आपको 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो दोनों के ही लगभग सेम देखने को मिली। अब यहाँ पर एक्यूरेसी तो दोनों ही 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की एकदम कमाल की है, लेकिन Vivo S1 का 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा फास्ट है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A30s। बात करें अगर कैमरे की, तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट पर सिंगल कैमरा। सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें Vivo S1 के, तो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर साइज है 1.8, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा यहाँ आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। बात करें अपने A30s के बारे में, तो प्राइमरी कैमरा यहाँ पर दिया गया है रियर पर 25 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर साइज है 1.7, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ मिलता है फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है f2.0।
कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरो मोड, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड रियर और फ्रंट दोनों के लिए, इसके अलावा अल्ट्रावाइड फोटोज का ऑप्शन क्योंकि दोनों में ही आपको अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है अलग से, इसके अलावा स्लो मोशन का ऑप्शन, ये सारे फीचर आपको दोनों में ही मिल जाते हैं। लेकिन दोनों में से किसी में भी मुझे नाइट मोड नहीं मिला। इसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ, दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K या 60fps का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर नहीं मिलेगा। अब कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, Vivo S1 वर्सेस Galaxy A30s कैमरा कंपैरिजन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डिटेल कैमरा कंपैरिजन के लिए उस वीडियो को जरूर देख लें। बाकी का शॉर्ट बात करें तो जो मैक्रो शॉट लिए हैं वहां पर कलर प्रोडक्शन आपको गैलेक्सी A30s में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Vivo S1। डिटेलिंग के मामले में Vivo S1 ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर हाई रेजोल्यूशन की फोटो यानी कि 25 मेगापिक्सल की फोटो आप गैलेक्सी A30s पर लेते हो तो उस कंडीशन में A30s पर भी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड फोटोज में गैलेक्सी A30s बेहतर है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो वहां भी गैलेक्सी A30s बेहतर है, आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं, इसके अलावा नॉइज भी कम देखने को मिलता है। दोनों में से किसी भी डिवाइस में आपको नाइट मोड नहीं मिलेगा। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड की बात करें रियर कैमरे के तो वहां पर आपको गैलेक्सी A30s में अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Vivo S1। वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों ही लगभग सेम है लेकिन स्टेबलाइजेशन आपको गैलेक्सी A30s में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, हालांकि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। स्लो मोशन वीडियो में भी गैलेक्सी A30s में आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले अगर डिटेलिंग की बात करें तो वो आपको Vivo S1 में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। गैलेक्सी A30s में आपको नेचुरल फोटोज देखने को मिलते हैं, वही Vivo S1 में एकदम कमाल के फोटोज देखने को मिलते हैं। और जब दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में Vivo S1 की सेल्फी मुझे ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A30s। इसके अलावा गैलेक्सी A30s के फ्रंट कैमरे में कलर्स भी थोड़े से वॉश आउट नजर आते हैं। बात करेंगे हार्डवेयर की तो Vivo S1 में आपको मिलता है Helio P65 प्रोसेसर, वहीं Galaxy A30s में आपको मिलता है Samsung का खुद का Exynos का 7904 प्रोसेसर। और ये है N22 बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ N22 बेंचमार्क स्कोर्स को अगर कंपेयर करें दोनों के तो कम्प्लीटली Vivo S1 Galaxy A30s को बीट करता है। फिर चाहे वो कॉमन यूज की बात यानी कि ऐप लॉन्चिंग की या फिर हो दूसरी चीज गेमिंग की बात जैसे कि पबजी वगैरह गेम वगैरह आपको प्ले करने हो तो वहां भी गैलेक्सी A30s उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना Vivo S1 करता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग की बात करें तो ये दोनों ही डिवाइस के 4GB रैम वाले वेरिएंट हैं और यहाँ भी Vivo S1 कम्प्लीटली गैलेक्सी A30s से बेहतर है। ओवरऑल हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में S1 गैलेक्सी A30s को पूरी तरह से बीट करता है। बैटरी की बात करें तो गैलेक्सी A30s में आपको मिलती 4000mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहीं Vivo S1 में आपको मिलती 4500mAh की बैटरी और S1 करता है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बैटरी बैकअप में भी S1 गैलेक्सी A30s से बेहतर है। तो यही था मेरा गैलेक्सी A30s और Vivo S1 के बीच फुल या ओवरऑल कंपैरिजन। अब यहाँ अगर ब्रांड को एक तरफ कर दें, प्राइसिंग को एक तरफ कर दें, उन चीजों से अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नो डाउट यहाँ Vivo S1 कम्प्लीटली A30s से बेहतर है। लेकिन A30s अपनी जगह पर कमाल है क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी ये बात कह चुकी है मार्केट में, जिस तरह की उसकी स्ट्रेटेजी है कि भाई ऑफलाइन मार्केट में हमारे डिवाइसेज ओप्पो और वीवो से महंगे आएंगे लेकिन बेहतर होंगे, वहीं ऑनलाइन मार्केट में रियलमी और रेडमी से ज्यादा महंगी होंगे। तो अगर उस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं तो A30s थोड़ा सस्ता है और सैमसंग के मुताबिक अगर 16-17 हजार के Vivo से आप कंपेयर करते हो सैमसंग को तो 18-20 हजार को आपको सैमसंग लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों की कुछ सिमिलरिटी हो सकती है सैमसंग के मुताबिक। तो अगर ब्रांड वैल्यू की तरफ जाओगे तो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती है, लेकिन अगर ब्रांड और प्राइसिंग की बात को छोड़ दें, यहाँ केवल ये बात करें कि S1 और A30s में कौन सा बेहतर है, तो नो डाउट यहाँ पर S1 A30s को बीट करता है। तो दोस्तों यही था मेरा गैलेक्सी A30s Vivo S1 के बीच ओवरऑल या फुल कंपेयरिजन। मुझे उम्मीद वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आते फोन हिंदी, अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।